मैं हूं अर्शी खान और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज। और आज हम मौजूद हैं उत्तर विधानसभा के भोपाल टॉकीज पर और यहां पर हम लोगों से जानते हैं कि इस बार का विधायक जो है कौन बन सकता है और विकास को लेकर उनकी क्या राय है। सर आपका नाम? मेरा शावर जमा खान है। सर जैसे कि आप जानते हैं 35 साल से जो है आरिफ अकील साहब इस सीट पर रहे, विधायक रहे, और इस बार उन्होंने अपने बेटे को जो है इस पर टिकट दिया है, प्रत्याशी उनके बेटे बने, तो आपको क्या लगता है कि जनता इतना विश्वास उनके बेटे पे भी जता पाएगी? बिल्कुल जता पाएगी। वैसे उन्होंने नहीं दिया, ये कांग्रेस कमेटी ने, दिल्ली ने तय किया है कि किसको टिकट दें और किसको नहीं दें। देखिए पिछले 3 साल से, जब से हमारे आरिफ भाई की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, पिछले 3 साल से आतिफ ही कार्य देख रहा था। आतिफ की इतनी लोकप्रियता है, उसने गरीब अमीर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके काम उसी ने देखे। देखिए जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहा है। आतिफ एक तो पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियर है वो, और युवा है, और युवा की सोच आपको मालूम है कहाँ तक होती है। उनके पिताजी ने विगत 30 वर्षों से यहाँ के विधायक रहे हैं और अपने क्षेत्र के लिए कई कार्य किए हैं उन्होंने। मैं तो आरिफ अकील साहब 1970 से उनके साथ हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं वो, और उनकी कार्यशैली और उनका जो स्वभाव है बिल्कुल आतिफ अकील उनकी ट्रू कॉपी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उसको टिकट दिया है, हम लोग उसके साथ हैं, वो जीतेगा इंशाल्लाह। ये अभी पूरे रोड बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नालियाँ वालियाँ सब बन रही हैं और बेहतरीन आतिफ अकील काम कर रहे हैं। और हम युवा चाहते हैं कि हमारे बीच में जो नेता हो वो युवा हो, जो हमारी सुने। रात में 12 बजे ही फोन लगाए तो हमारे लिए उठ के आए, 3 बजे ही फोन लगाए हमारे लिए उठ के आए। इसलिए हम चाहते हैं कि आतिफ अकील हमारे बीच रहें और वो आए, उन्होंने हमारी परेशानियाँ भी सुनी और हमारे काम भी हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सीट से हमारे आतिफ अकील साहब ही जीते। पिछले 3 साल से 4 साल से वो निरंतर जनता के बीच में सक्रिय हैं और वो जनता के समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से हमेशा करने के लिए बिल्कुल अग्रसर रहते हैं और करेंगे भी, और कर रहे हैं, विकास कार्य में भी सहयोग कर रहे हैं। तरीके से आरिफ अकील साहब को इतने समय, लंबे समय से हम जिताते आए, इस समय हम आतिफ अकील साहब को जिताएं, युवा को आगे लाएं। इसी के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उनके साथ है, तो युवा और बुजुर्गों का जो ये संगम बना है ये आगे जाके पार्टी की जीत बनेगी।